हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। तो इमेजिन आप अगर गिर गए एंड आपको इंटरनल चोट लग गई, तो आज के वक्त में डॉक्टर्स क्या करेंगे? आपका एक्सरे निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सी हड्डी टूटी है एंड उसे ठीक करेंगे। पर क्या आपको पता है, वर्ल्ड वॉर वन के वक्त वॉर में घायल हुए सोल्जर्स का एक्सरे नहीं निकाला जाता था, बल्कि जो पार्ट पे उन्हें लगा है उसे डायरेक्टली एम्प्यूटेट किया जाता। स्कैरी राइट? बट दैट इज वॉट यूज टू हैपन। देन आई ये लेडी जिसने वॉर के दौरान मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को ये दर्दनाक प्रोसीजर से बचाया। तो वो कैसे, चलिए जानते हैं। सो साल था 1914 का, जगह पेरिस। वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो चुका था एंड फ्रांस के कई सोल्जर्स घायल हुए जा रहे थे। उन्हें ट्रीट करने के लिए एक्सरे मशीन की जरूरत थी एंड एक्सरे तब तक इन्वेंट हो चुका था। लाइक 1895 में ही विलहेल्म कॉनराड ने एक्सरे मशीन इन्वेंट कर दिया था। पर प्रॉब्लम यह था कि मशीन्स काफी बड़ी बड़ी थी एंड सिटी हॉस्पिटल्स में थी, वॉर की जगह से काफी दूर, जिस वजह से वो मशीन्स होने के बावजूद सोल्जर्स कुडंट बी ट्रीटेड यूजिंग दैट। तो वॉर के वक्त एक फीमेल थी जो फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट थी, जिसका नाम मैरी क्यूरी था। मैरी ने जब सोल्जर्स की हालत देखी तो शी फेल्ट लाइक शी नीड्स टू डू समथिंग। छोटे छोटे इंटरनल घाव की वजह से पूरा लिम एम्प्यूटेट करना जस्ट बिकॉज वहाँ एक्सरे नहीं था वॉज समथिंग दैट मेड हर वेरी सैड। तो उसने क्या किया कि एक रेडियोलॉजिकल कार बनाई जिसके अंदर एक्सरे निकाला जा सकता था। एंड ये क्योंकि एक्सरे मशीन कार के अंदर थी तो इट वॉज मोबाइल, कुड बी टेकन एनीवेयर। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, एक्सरे को सिर्फ कार में रख दिया होगा। तो नहीं, इट वॉज अ बिग थिंग, क्योंकि मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के ऊपर कई साल से काम कर रही थी। जब विलहेल्म ने 1895 में एक्सरे बनाया था तब उन्होंने ग्लोइंग सब्सटेंस यूज किया था टू जनरेट दैट रे जो बॉडी के अंदर जब पड़े तो इंटरनल इंजरीज या फ्रैक्चर्स वगैरह रिपोर्ट में दिखा सकती है। पर ये ग्लोइंग सब्सटेंस जो एक्सरे में यूज किया जा रहा था वो क्या था, ये विलहेल्म को नहीं पता था। ही न्यू कि ये सब्सटेंस की मदद से रे जनरेट हो रहा है, इट इज हैपनिंग, बट ये सब्सटेंस क्या है ये चीज ही डिड नॉट नो। इस वजह से नाम पड़ा एक्सरे, एक्स बीइंग अननोन रे। लेटर और एक साइंटिस्ट जिनका नाम हेनरी बेक्वेरल था, उन्होंने जब वो सब्सटेंस पे रिसर्च किया तब मालूम पड़ा कि वो सब्सटेंस जो क्लो कर रहा है एंड रेडिएशन एमिट कर रहा है इट इज यूरेनियम। पर मैरी क्यूरी मानने को रेडी नहीं थी। उसकी थियोरी के हिसाब से यूरेनियम के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स है जो एक्चुअल में रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। अगर उसके आइसोटोप्स को आइसोलेट किया जाए तो वो एलिमेंट खोजा जा सकता है जो एक्चुअल में ये रेडिएशन पैदा कर रहे हैं। एंड मैरी क्यूरी की ये बात सच भी निकली। यूरेनियम के अंदर दो एलिमेंट्स पाए गए जो थे रेडियम एंड पोलोनियम। ये दोनों एलिमेंट मैरी क्यूरी ने ही ढूंढ निकाला था। तो जब 1914 में वॉर हुआ तब मैरी ने एक्सरे में जो गामा रेज लगते थे वो रेडिएशन के लिए रेडियम का यूज किया इंस्टेड ऑफ यूरेनियम, क्योंकि वो और भी ज्यादा एक्यूरेट थे। एंड एक इलेक्ट्रिक कार जैसा कार भी डिजाइन किया, बिकॉज एक्सरे मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती थी। पर कार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी? तो मैरी क्यूरी ने एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगा दिया जिसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सरे मशीन को मिलती थी। एंड ये जनरेटर को चार्ज करने के लिए मैरी ने कार के इंजिन को ही इस्तेमाल किया। तो ये पूरा डिजाइन कार एक्सरे का मैरी ने बनाया, जिसमें पेट्रोल डालो तो इंजन चलता, जैसे इंजन चलता उसके एनर्जी से जनरेटर चलता। एंड जनरेटर की मदद से एक्सरे मशीन कहीं भी चलाई जा सकती थी। सोचो, ये अकेली लेडी ने ये सब 1940 में किया, और वो भी तभी जब उसे फंडिंग भी नहीं मिल रही थी इसके लिए। तो इलॉन मस्क ने ये इलेक्ट्रिसिटी कार का कंसेप्ट लाया, ये जिसे भी लग रहा होगा, तो बर्स्ट दैट बबल। ये इन्वेंशन 1800 एंड 1900 के सालों में ही हो चुका था। सो इस तरह मैरी क्यूरी ने छोटा सा एक्सरे बना के बैटल फील्ड में दिया, जिसको बाद में लोग प्यार से लिटिल क्यूरी के नाम से बुलाने लगे। 1 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स को ट्रीट किया गया बाई यूजिंग दिस एक्सरे, जिसके बाद एम्प्यूटेशन का प्रोसीजर रोक दिया गया एंड वो उनको ट्रीट करने में लोग फोकस करने लगे। बिकॉज एक बार इंटरनल इंजरी एक्सरे की मदद से डिटेक्ट हो गई तो डॉक्टर्स के लिए भी आसान हो गया उसे ट्रीट करना। बट मैरी की जो ये खोज थी उन्होंने ही उसकी बाद में जाके जान ले ली। वर्ल्ड वॉर वन तो 1914 में शुरू हुआ, पर उसके पहले भी मैरी की लाइफ किसी जंग से कम नहीं थी। तो साल था 1891 एंड मैरी तभी पोलैंड में रहती थी, पर वहाँ लड़कियों को पढ़ने दिया नहीं जाता था। इस वजह से 24 इयर्स की मैरी 1891 में अपनी बहन के साथ पेरिस आ गई फॉर स्टडीज। पेरिस आने के बाद मैरी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ही पढ़ाई की। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसकी रुचि यूरेनियम में बढ़ी। ये वही एलिमेंट था जो इतना ज्यादा रेडिएशन एमिट करता कि इट यूज्ड टू ग्लो। यूरेनियम के अंदर और क्या क्या है ये मैरी को जानना था। पर पेरिस के यूनिवर्सिटी के दूसरे साइंटिस्ट उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि सब मेल थे एंड वो अकेली फीमेल थी। स्टिल मैरी वॉज फोकस्ड। एंड इसी दौरान उसकी मुलाकात पियर क्यूरी से हुई, जो दूसरों से अलग थे। वो उसे उसकी रिसर्च में सपोर्ट करते थे। दोनों मिले एंड बोथ ऑफ देम फेल फॉर ईच अदर। लेटर दोनों ने 1895 में शादी भी कर ली। शादी के बाद दोनों यूरेनियम पे साथ में काम करने लगे। यूरेनियम जो एलिमेंट है ना, वो धरती से एक्सट्रैक्ट होता है। इस वजह से डायरेक्टली उसे एक्सपेरिमेंट्स में यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो भी चीज अर्थ के कोर से एक्सट्रैक्ट की जाती है वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसमें और भी कई एलिमेंट्स होते हैं, मिट्टी वगैरह भी होती है। तो इस वजह से पहले यूरेनियम को प्रोसेस करना पड़ता, देन क्रश वगैरह करके प्योर यूरेनियम निकालना पड़ता। तो मैरी ये सब करती। काफी वक्त वो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के आसपास बिताती।
प्योर यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो एंड उसके हस्बैंड उस पर रिसर्च करते। बहुत सारे यूरेनियम को क्रश करने के बाद थोड़ा सा प्योर यूरेनियम मिलता, तो इस वजह से मैरी को और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। ऑलमोस्ट 6 सालों तक मैरी ने यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स को आइसोलेट करके पता लगाने का ट्राई किया कि उसके अंदर और कौन से एलिमेंट्स हैं। देन साल आया 1898 का, मैरी एंड प्योर क्यूरी को वो दो एलिमेंट्स मिल गए एंड वो दो एलिमेंट्स का नाम उन्होंने पोलोनियम एंड रेडियम रखा। पोलोनियम ये जो नाम है वो मैरी ने उनके होमलैंड पोलैंड के ऊपर से रखा था। तो इस तरह यूरेनियम से पोलोनियम एंड रेडियम की खोज हुई। बट ये हस्बैंड वाइफ जो भी एलिमेंट्स पे काम कर रहे थे वो सब ऐसे थे जो हाई रेडिएशन एमिट करते। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को कितने ध्यान से हैंडल किया जाता है, उसके आसपास भी लोग विदाउट सूट नहीं जाते। बट तभी मैरी एंड पियर 24/7 एलिमेंट्स के आसपास होते, क्योंकि उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा लैब सेटअप किया था जहाँ यूरेनियम पड़ा रहता। कॉन्स्टेंट रेडिएशन की वजह से पियर क्यूरी की तबीयत बिगड़ती चली गई एंड फिर आया साल 1906 का, जब ऑलरेडी पियर की तबीयत खराब थी एंड तभी उनका एक्सीडेंट हो गया एंड ही पास्ड अवे। मैरी ने उनके हस्बैंड के मौत के बाद भी उनका पैशन कंटिन्यू रखा। यूरेनियम के साथ साथ वो और भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे रिसर्च करने लगी जिसका नाम था थोरियम, एंड जो भी उनका नॉलेज था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में उन्होंने उसको रिसर्च पेपर में डाल दिया एंड दुनिया की मदद की। अल्टीमेटली ईयर 1934 में मैरी जो 66 ईयर्स की थी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। टेस्ट करने पे पता चला कि वो अप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रही थी, जो एक कंडीशन है जिसमें बॉडी ब्लड सेल्स उतनी मात्रा में नहीं बनाती जितना उसे बनाना चाहिए, और ये बीमारी उन्हें कॉन्स्टेंट रेडिएशन के एक्सपोजर में रहने की वजह से हुई थी। एंड उसी साल के 4 जुलाई को वो चल बसी। जब वो चल बसी तो डॉक्टर्स थोड़ा डर गए बिकॉज उनको लगा कि उनकी बॉडी भी रेडिएशन एमिट कर रही होगी, और ऐसे ही अगर मैरी को दफनाया गया तो हो सकता है कि उनकी बॉडी वो एरिया में रेडिएशन एमिट करते रहे। इस वजह से उनकी बॉडी पे टेस्ट किया गया एंड ये पाया गया कि वो रेडिएशन फ्री थी, एंड उसके बाद उनका फ्यूनरल हुआ। सो आई वुड से कि हर फाइंडिंग्स हैज बीन अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन काइंड। ऐसे काफी कम लोग रहे हैं हिस्ट्री में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे काम करने के लिए आगे आए हो, क्योंकि सबको पता था कि रेडिएशन के एक्सपोजर से एक दिन उनकी मौत हो जाएगी। पर विलहेल्म हेनरी प्योर एंड मैरी, ये कुछ लोगों ने मैनकाइंड के लिए सैक्रिफाइस किया, क्योंकि आज भी रेडिएशन थेरेपी को यूज किया जाता है काफी जानलेवा बीमारी को ट्रीट करने के लिए, जैसे ट्यूमर एंड कैंसर। ये ऐसा एक ही इलाज है जो कैंसर सेल्स को मारने में कामयाब रहा, एंड ये इलाज प्योरली रेडिएशन पे बेस्ड है। जिंदगी भी काफी अजीब होती है एंड कहा जाता है ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ये सच्ची है। मैरी ने अपनी माँ को कैंसर के चलते ही काफी कम उम्र में खो दिया था। वो ट्रॉमा से कभी उभर नहीं पाई। सालों तक वो हॉस्पिटल जाने से भी डरती क्योंकि पेशेंट्स की हालत देख के उसे उसकी माँ की याद आती। पर उसने उसकी पूरी लाइफ लगा दी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पीछे एंड उसके रिसर्च पेपर की मदद से ही आगे जाके रेडिएशन को एज ट्रीटमेंट यूज किया गया। कितना अजीब कोइंसिडेंस है ना कि अननोइंगली मैरी ने उसी सब्सटेंस में रुचि दिखाई जो आगे जाके उसी डिसीज का ट्रीटमेंट बनने वाला था जिससे उसकी माँ गुजर रही थी। तो ये थी कहानी मैरी क्यूरी की, द फर्स्ट लेडी टू विन नोबेल प्राइज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द स्टोरी एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।